आपका क्या नाम है जी? नीतू नाम है मेरा, उड़ान कैंपस बरवाड़ा के स्टाफ हैं। अच्छा अच्छा, नीतू जी क्या लगता है चुनाव होंगे अक्टूबर में? हाँ जी सर। किस पार्टी से उम्मीद है कि कोई भला कर सकता है बरवाड़ा का? सर आई थिंक मेरे को किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि सभी अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। किसी को जनता की कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो आज हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, वो नहीं होती। ठीक है, सरकारें आई हैं, गई हैं, सब ने अपना भला किया। सबका विश्लेषण आप कर रहे हैं, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? मेरा फिजिकल है। फिजिकल एजुकेशन आप देते हैं? हाँ। तो जो जितनी भी बची हैं पार्टियाँ जो अस्तित्व में है, 1, 2, 3, 4 की रेस में है, इनमें से आप किसी को प्रायोरिटी पर रखते हैं, किसी पार्टी को? नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारा देश का जो भविष्य है। आई थिंक बीजेपी है, बट इतनी भी नहीं है कि वो अपने छोटे से शहर के ऊपर जोर देश के, वो है बड़े लेवल पे है। क्या वजह है, ऐसा क्यों है? मतलब लोगों में डिमांड्स नहीं रही, अपनी मांगे मनवाने के उनमें जो है मादा नहीं रहा, या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा समझती हैं कि जरूरत नहीं है काम कराने की, वजह क्या है? सर वजह ये है, किसी की पार्टी को ऐसा लगता ही नहीं कि हम इतने छोटे से एरिए में रह रहे हैं, सबसे बड़ी तो हमारी कमी है। जो नाम है वो मोदी का चल रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट आता है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कुलाना या फिर उचाना हल्के से चुन के गया है, उसको लोग जानते नहीं, ओनली मोदी के नाम से वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। कोई विजेंद्र कुमार है, कोई जानता ही नहीं ब्रजेंद्र कौन है, ये क्या है, बस ओनली मोदी। हाँ, उसको बीजेपी बनानी है, उसको वोट दे दिया। उसको जब यही नहीं पता कि जो उचाना हल्का है इसके अंदर क्या समस्याएँ हैं, कितने वोट हैं, कहाँ से आप खड़े हो, कहाँ जाना है प्रचार करना, उसको हमारे एरिया के बारे में पता नहीं, ओनली मोदी मोदी चल रहा है। हाँ, वोट देना है मोदी को देना है। हाँ, बीजेपी की तरफ से कौन खड़ा है ये नहीं पता, कैंडिडेट का नाम क्या है, ओनली मोदी चल रहा है। इस टेंडेंसी से क्या नुकसान देखते हो आप, क्या नुकसान हो सकते हैं? सर नुकसान ये है, जब एक ऐसे बंदे को हम चुन के भेज रहे हैं, अपने पास वोट की ताकत है, फिर भी हम उस बंदे को चुन के भेज रहे हैं जिस बंदे को हमारा ये नहीं पता इस हल्के, ये हमारे हल्के के अंदर आता भी है या नहीं आता गाँव, तो वो बंदा हमारा कैसे एक भला कर सकता है? सही कह रहे हो, अब चुनाव होगा, फिर से वही लोग वही टीमें आएंगी, वही अपने अपने झंडे लेके आएंगे, वही वायदे होंगे, लोग फिर चुन लेंगे, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये लोगों के अंदर मानसिकता बनी हुई है, एक जैसे कई कट्टर ऐसे हैं जो इनेलो के हैं, कई कट्टर ऐसे हैं जो मोदी के हैं, वो अपने हिसाब से वोट डालते हैं। बट मैं क्या सोचती हूँ, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो हमारे हल्के का विकास कर सके। ठीक है, क्यों, सभी अब आते हैं जिसको किसी बड़े बुजुर्ग से लेना देना नहीं है, बात करने का ही नहीं पता है, वो कैसे विकास करवा सकता है? अगर विकास करवाना होता तो आज हमेशा हालात में नहीं खड़े होते, बरवाड़ा में 2 मिनट बारिश आते ही वहाँ से निकलने की जगह नहीं होती। वेद नारंग लगा लीजिए आप, या फिर जो भी इनके विधायक बनते हैं, इनको यही नहीं पता कि अपने हल्के में मतलब लोगों को समस्या क्या है, तो वो कैसे विकास करवा सकते हैं? और सबसे बड़ी कमी हमारी है, हम उनको चुन के भेजते हैं, ये लोगों की मानसिकता बनी हुई है। हाँ, कई कट्टर विरोधी भी होते हैं, जैसे कांग्रेस के विरोधी है भी, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हाँ इसको दे देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कई ऐसे, हाँ मोदी को वोट नहीं देना, इससे अच्छा मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा, ये हमारी जो मानसिकता है इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है हमारे हल्के है, मतलब हल्का हो गया, या फिर जो MP चुन के भेजते हैं, या फिर पूरा इंडिया, उस पे हमारा जो पूरा। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, आपको चारों ही पसंद नहीं है, नोटा भी आपके पास विकल्प है, लेकिन उससे फिर कोई चुन के तो नहीं आता, नोटा से तो कोई नया बन के आता नहीं है पाँचवा आदमी, ऐसे में क्या करें फिर? सर मेरी खुद की पसंद ऐसी है कि मैं राजनीति में जाऊँ, और जो अपना हल्का है, सबसे पहले मैं जो मेरी उम्मीद है लगाती हूँ, अगले साल हमारे भी सरपंच के चुनाव होने हैं, मैं अपनी खुद की स्टार्टिंग करूँ वहाँ से, और मेरा जो गांव है उसको मैं एक गांव के अंदर लेके आऊँ, मेरा गांव बनबोरी है जी। हाँ, तो मैं सरपंच चुन के जाऊँ और अपने गांव को 5 साल के अंदर अंदर आदर्श गांव बना के दिखाऊँ, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट लेवल है वो पार करूँ। मेरी इच्छा ये है, जो मेरा हल्का है वो विकास की राह पे हो और अलग से एक फलक पे चमके, मेरी सोच ये है सर। तो इनका ये कहना है कि ये खुद सरपंच बनना चाहते हैं और एक नई शुरुआत, एक नई कवायद जो है ये देना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं समाज के सामने। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।